हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैंने शुरू किया अभी, आज संडे है तो नाश्ता वास्ता करके मॉर्निंग नहा वहा के नाश्ता वास्ता करके बैठे थे और अभी व्लॉग स्टार्ट किया है। तो गाइस, आज का व्लॉग जो है वो आज आपके लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको कानपुर के सात टावर जो थे, जो ऐतिहासिक हैं, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बने हुए थे, उनके बारे में ये उस समय की बात है जब अंग्रेज़ों का शासन था और घड़ियाँ जो थीं वो इतनी महंगी थी कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो वो घड़ियाँ जो थीं वो सबके बस की बात नहीं थी लेना। तो जब लाल इमली मिल जब शुरू हुई, उसकी शुरुआत हुई और स्टार्टिंग में वो सैनिकों के लिए बनाई गई थी, वहाँ पर सैनिकों के लिए कंबल वगैरह बनते थे। जब स्टार्टिंग में उसको शुरू किया गया था तो प्रॉब्लम आ रही थी कि समय का कैसे निर्धारण किया जाए। इसको लेके उन्हीं लोगों के लिए पहली जो क्लॉक टावर लगाया गया था, पहला क्लॉक टावर बनाया गया था, वो घड़ी लगाई गई थी जो कि इंग्लैंड से मंगाई गई थी उसकी सुइयां। और वो इसलिए मंगाई गई थी ताकि जो लाल इमली के जो मज़दूर थे या जो भी वर्कर थे उनको टाइम का अंदाज़ा हो। और वो लाल इमली के वर्कर ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी इलाका था वहाँ पर भी उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। तो ये करीब 1876 में स्टार्टिंग हुई थी इसकी और पहला टावर बनाया गया था। उसके बाद दूसरा टावर बना फूलबाग में, जो किंग एडवर्ड जो मेमोरियल बना हुआ है फूलबाग में, तो वहाँ पर हुई। उसके बाद कमला टावर में एक बना, उसके बाद बिजली घर में बना टावर, और इस तरह से करते करते घंटा घर टावर बना जो कि सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। इस तरह से करते करते सात टावर बने हुए हैं। सातवां टावर जो है वो स्वरूप नगर में बना हुआ है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया था इसलिए हम लोग उसका वीडियो आपको आज नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि वो उसमें सुइयाँ नहीं लग पाई थी किसी, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उसी में वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो टावर तो है लेकिन उसमें सुइयाँ जो हैं उसमें नहीं है। तो ये पूरे सात टावर हैं जिसके बारे में आप लोगों को आज दिखाएंगे और बताएंगे भी साथ में, क्योंकि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी कि हमारी जो कानपुर की जो धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, उनको हमें किस तरह से संभालना है और संजोना है। और ये सारी चीज़ें अभी अच्छे से संभाली भी गई हैं, ऐसी बात नहीं है, आपको दिखाएंगे। काफ़ी अच्छे से संभाली भी गई हैं, अच्छे से रख रखाव भी किया गया है। तो अभी दे देते हैं मुनिया को जरा पर्स, उसको ज़रूरत है पैसे की, तो डिक्की खोल के उसके बाद फिर चलते हैं। रैम्बो को थोड़ा सा टहला दे और उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं अपने काम के लिए। ये लोग तो अभी रैम्बो को लेके आ गए हैं बाहर, थोड़ी देर टहला देते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। तो जैसा मैंने बोला था आप लोगों को, आज सातों टावर दिखाऊंगा मैं कानपुर के। तो ये जो मेरे पीछे ये पहला टावर है, आप देख सकते हैं, अभी आपको मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पे। तो ये टावर, इसके बारे में बता देता हूँ, ये 1876 में टावर बना था और ये एक्चुअली में एक मिल थी और मिल में जो काम करते थे मज़दूर, तो उनके लिए बनाया गया था ताकि उनको समय का अनुमान लगे। चूँकि उस समय ऐसा होता था कि जो घड़ियाँ थी वो बहुत महंगी थी, तो आम आदमी के पास वो घड़ियाँ नहीं होती थी, इसलिए ये क्लॉक टावर बनाया गया था। और ये जो लाल इमली है प्रेजेंट टाइम में, लाल इमली नहीं थी उस समय, ये यहाँ पर जो सैनिक थे उनके लिए कंबल बनाए जाते थे, लेकिन इमली का पेड़ अंदर था इसलिए इसका नाम लाल इमली रखा गया। तो ये पहला टावर है, आपको दिखाता हूँ। ये है दोस्तों पहला टावर, लाल इमली का टावर, ये आप देख सकते हैं ऊपर इसमें क्लॉक भी लगी हुई है। और ये क्लॉक जो थी ये इंग्लैंड से, क्लॉक का जो सुइयाँ थी वो इंग्लैंड से मंगवाई गई थी। आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है क्लॉक पहला, ये जो टावर था ये बना हुआ था यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं ऊपर सुइयाँ लगी हुई हैं और ये सुइयाँ इंग्लैंड से आयात की गई थी। तो ये कानपुर का पहला टावर। दोस्तों चलते हैं दूसरे टावर की तरफ। और यहीं के मज़दूरों ने, जो यहाँ के लोकल लोग थे, उन लोग ने डिमांड की थी कि काफ़ी दूर से इसकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है, तो ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब दूसरा टावर कहाँ बनाया जाए। तो आपको दिखाते हैं दूसरा टावर, उसके बारे में बताते हैं। तो ये टावर आप देख सकते हैं, उसकी ख़ास बात ये है, सेकंड टावर है, बहुत ही अच्छा भी रख रखाव भी किया जा रहा है यहाँ पर। और इस टावर पे आप देख सकते हैं ये सुई जो चल रही है वो सही टाइम बता रही है, इस समय करीब 4:35 या 40 हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये सही चल रहा है, बहुत ही सुंदर देखने में भी लग रहा है ये। तो ये टावर है हमारे कानपुर के सातों टावर, जिनका ऐतिहासिक महत्व भी है और हमें उनके बारे में जानना भी चाहिए।
गाइस अभी आ चुके हैं, ये है तीसरा घंटा अगर आपको दिखाते हैं, और ये कोतवाली में लगा हुआ है और इसकी सुई अभी तक चल रही सही, और सही टाइम बता रहा है। और आप ये हमारे कानपुर की कोतवाली है और यहीं पर तीसरा घंटा घर बनाया था, लगभग 1925 के आसपास के करीब बनाया गया होता और करीब 80,000 रुपये उस समय लागत आई थी। और इस समय ये हमारे कानपुर की शान है हमारी कोतवाली। तो ये है हमारा तीसरा घंटा घर और आपको दिखाते हैं और भी घंटाघर जो कानपुर के हैं उनको दिखाते हैं। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये चौथा घंटाघर है, या आप जहाँ मेरे उंगली है देखिए ये चौथा घंटाघर है जो कि 1931 और 1932 के बीच में बनाया गया था। और ये बिजली घर है एक्चुअली यहाँ पर, और उस समय अंग्रेजी शासन काल में ये घंटाघर बनाया गया था जो कि चौथा घंटाघर है कानपुर का। और इसी तरह से आप लोगों को पूरे सातों घंटाघर दिखाता हूँ कानपुर के अभी। तो गाइस अभी आ चुके हैं फिलखाना क्षेत्र में और यहाँ पर है कानपुर का पांचवा घंटाघर जो कि 1934 में किसी अंग्रेज द्वारा नहीं बल्कि एक भारतीय द्वारा बनवाया गया था, जो जेके समूह के जो मालिक हैं कमलापत जी। ये है पांचवा घंटाघर जो कि 1934 में लाला कमलापत सिंघानिया जी ने बनवाया था, जो कि जेके समूह के मालिक हैं। और ये जो था ये एक पहला टावर था जो कि एक भारतीय द्वारा बनवाया गया था, और बहुत गर्व का विषय है ये कि उन्होंने बनाया, क्योंकि अंग्रेज खिलाफ भी हो गए थे इसके कि ये कैसे एक भारतीय बनवाएगा, लेकिन उन्होंने बनवाया टावर। और ये पांचवा टावर जो है हमारे कानपुर की शान है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि ये एक भारतीय द्वारा बनवाया पांचवा टावर है जो कि कमला टावर के नाम से जाना जाता है। घंटाघर पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा, ये पूरा घंटाघर है चारों ओर। और यहाँ की खास बात मैं आपको आज ये दिखाने रहा हूँ, यहाँ का घंटाघर, वैसे तो कानपुर में करीब 7 घंटाघर हैं लेकिन यहाँ का जो घंटाघर है वो छठा घंटाघर है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और उस साइड आप देखते हैं यहाँ सेंट्रल है, सेंट्रल जो है कानपुर सेंट्रल, ये ट्रेन वगैरह के लिए जाते हैं यहाँ पर। और अभी आपको दिखाता हूँ मैं घंटाघर। तो इस घंटाघर के बारे में कुछ बता देता हूँ कि ये 1932 में बनाया गया था अंग्रेज़ों के समय में, और करीब 1,00,000 की लागत से घंटाघर बना है, आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है घंटाघर, ये घंटाघर है और ये 1932 में बनाया गया था, ये छठे नंबर का घंटाघर है। पूरे कानपुर में ऐसे 7 घंटाघर हैं करीब। और ये जो है हमारा ये स्टेशन है कानपुर सेंट्रल स्टेशन, यहाँ पर ट्रेन वगैरह यहीं से आती जाती हैं। और ये पहला घंटाघर है जो कि सार्वजनिक हित के लिए बनाया गया था, बाकी जो घंटाघर हैं वो तो पर्टिकुलर किसी पर्पस से बनाए गए थे, लेकिन ये घंटाघर जो है ये सार्वजनिक हित के लिए बनाया गया था। ये पूरा चौराहा घंटाघर चौराहा, ये मंजूश्री टॉकीज है और ये पूरा घंटाघर चौराहा है। और ये स्टेशन भी है चूँकि इसलिए यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी रहती है। हम लोग आए हैं रामा देवी सब्जी मंडी और सब्जियाँ ले रहे हैं बस, और काफ़ी सब्जी हम लोग ने ले भी ली। क्या करें, मम्मी लोग के लिए और सब सब्जियाँ ले ली हैं, गोभी वगैरह सब ले ली। हो गए भैया आपके पैसे, हो गए भैया आपके, चलो हाँ। इसके सेब तो ठीक लग रहे हैं, कैसे दे रहे हो है मुनिया, इसके सेब सही नहीं लग रहे हैं, सेब रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हाँ तो ले लो सेब, सही तो लग रहे हैं, छाट के ले लो। दे यार 2 किलो दे दो, बिल्कुल कायदे से देना ठीक ठाक, तो ये कच्चे ना रखना। ये है रामा देवी, ये रामा देवी है, पूरा रामा देवी का पुल है ये, यहाँ पूरी मंडी लगती है, सब सब्जी मंडी है पूरी, सब्जियाँ भी काफ़ी अच्छी रेट में मिल जाती हैं यहाँ पर। तरोई रोई ले ली ना सब, ये हम लोग के 2 बैग भर के ले लिए हैं सब्जी, ले ली थी हाँ तरोई हाँ हो गई। चलो कैसे दे रही, सूखे सूखे अमरूद हैं यार, बेकार हैं, अरे बेकार हैं, देख रही किस हालत के अमरूद हैं। ये है चचेड़ा, पता नहीं चचेड़ा क्या है, मुनिया को आता नहीं बनाना, अम्मा बता रही कैसे अम्मा बनेगा ये चचेड़ा। अच्छा
भरे हुआ ना बनाए, अगर सब्जी बन जाए तो भी बन जाएगी। देव जरा ट्राई करेंगे इस बार, आधा किलो दो। अच्छा तुम पहले चचेड़ा देखे, ये चचेड़ा है, पहली बार सब्जी खाएंगे चचेड़े की। सूखे सूखे बनाना, सूखे सूखे बनेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक। तो ये अम्मा दे रही हैं आज पहली बार चचेड़ा, कह रही हैं खा लो बच्चा। तो अभी देखते हैं इसको। मम्मी के लिए एक टारगेट लाया हूँ मैं। कहा है मुनिया? वो चचेड़ा है मम्मी, ये आपने देखा चचेड़ा आज तक? ये चचेड़ा बनाना है, ये पहली बार खाएंगे हम। हाँ नहीं, भरुआ अगर ना बनाए तो वैसे भी बना सकते, लेकिन छील के बनेगी। बनाएंगे अभी चचेड़ा, बनाइए जरा देखें इसको। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं करता हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को जानकारी हुई होगी कि हमारे कानपुर में ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं। और आगे भी हम लोग अपने व्लॉग में, मैं अपने व्लॉग में आप लोगों को कानपुर की जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो भी फेमस चीज़ें हैं, उनके बारे में बताऊँगा और आपको व्लॉग में दिखाऊँगा। तो ये आपके एंटरटेनमेंट और आपके इन्फॉर्मेशन, आपकी जीके सब के लिए अच्छा है। कोशिश हम लोगों की कि थोड़ा सा बच्चों को पता भी चले अपने कानपुर के बारे में, क्योंकि सारे लोग अपने शहरों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हम लोग अपने कानपुर को क्यों नहीं एक्सप्लोर करें। हमारे कानपुर में बहुत सी चीज़ें हैं और हमारे कानपुर ने भी देश के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही है कानपुर की। तो हम अपने कानपुर को एक्सप्लोर करेंगे और हमें गर्व है कि हम सब कानपुरिया है। तो कानपुरियों के साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट जरूर करते रहिए कि आप लोग और किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं जो कि कानपुर में। हम लोग कोशिश करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की, रिसर्च करके जो भी होगा आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ राजा हंसो फैमिली व्लॉग के साथ। मिलते हैं फिर से नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बच्चों बड़ों का ख्याल रखिए। बच्चे जो हैं अपने माँ बाप का आदर करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें और खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।